हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो उनके लिए महामैराथन वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में उन स्टूडेंट का 50 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। स्टूडेंट याद रखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम 6 टॉपिक को एक ही वीडियो में देखने वाले हैं, 6 टॉपिक को एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। और आज का जो ये वीडियो है, 1 घंटे का वीडियो है। 1 घंटे में जो है आपका ये 6 टॉपिक को मैं ख़त्म कर दूंगा। वो देखिए कौन कौन से वो 6 टॉपिक हैं। सबसे पहला जो आपका टॉपिक है, ये है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। ये बहुविकल्पीय प्रश्न बताएंगे जो इम्पोर्टेंट है। दूसरा आपका जो टॉपिक है क्या है, महत्वपूर्ण गद्यांश। गद्यांश को किस तरह से हल किया जाता है, गद्यांश के प्रश्नों का आंसर किस तरह से दिया जाता है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और तीसरा जो टॉपिक है, महत्वपूर्ण पद्यांश, इसका भी हम पद्यांश को हल करेंगे और इसके प्रश्नों का आंसर देंगे। चौथा हमारा जो टॉपिक है, लेखक का जीवन परिचय, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं। पांचवा जो टॉपिक है स्टूडेंट, कवि का जीवन परिचय, कवि का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियां। और 6 नंबर जो हमारा टॉपिक है यानी लास्ट वाला, पंचलाइट कहानी, पंचलाइट कहानी का सारांश भी हम बताने वाले इस वीडियो में। तो आज का ये वीडियो महामैराथन वीडियो होने वाला है, महामैराथन क्लास होने वाला है। आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 100 में से 95+ मार्क्स लाना, तो आज की इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे फर्स्ट नंबर जो टॉपिक है बहुविकल्पीय प्रश्न से हम स्टार्ट। क्लास 12 हिंदी का महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आ चुका है। 100 नंबर का आपका जो होता है पूर्णांक होता है हिंदी में, किसमें, क्लास 12 हिंदी में। 50 नंबर जो है आज ही की वीडियो में पक्का हो जाएगा, और जो बचेगा आपका 50 नंबर हिंदी व्याकरण में, उसको भी हम पार्ट 2 की वीडियो में कवर कर देंगे। फिलहाल जो हम क्लास 12 हिंदी का महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि 10 नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम में क्या है, पूछा जाता है। 2024 बोर्ड एग्जाम में भी ये सभी प्रश्न आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी किस बोली से बनी हुई है। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, याद रखिएगा, खड़ी बोली से बनी है। दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। देखिए इस वीडियो में जो हम आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न को बताने वाले हैं, याद रखिएगा 20 बहुविकल्पीय प्रश्न बताएंगे। 1-1 नंबर का आपका प्रश्न हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, 10 प्रश्न ये भी पूछे जाएंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वो कलकत्ता में हुई थी, याद रखिएगा, ये भी आपका गा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न, 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता या रचनाकार हैं। जो 84 वैष्णवन की जो वार्ता है इसके रचयिता या रचनाकार कौन है भैया, ये बताना है। का आपका हो जाएगा नाभादास या गोकुलनाथ, छीत स्वामी या विट्ठलनाथ, बताइए। इन चारों में से आपका कोई एक राइट आंसर हो जाएगा। तो इनमें से भैया जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो गोकुलनाथ जी हो जाएंगे, जो कि 84 वैष्णवन के रचयिता हैं। उसके बाद में देखिए चौथा नंबर प्रश्न, गौरा बादल की कथा के लेखक हैं। जो गौरा बादल है इसके कथा के जो लेखक कौन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन्हीं 4 ऑप्शन के थ्रू आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। एक जो टिक आप लगाते हैं वही सही आंसर होता है, उसी का आपको 1 नंबर बोर्ड एग्जाम में क्या है स्टूडेंट, दिए जाते हैं। तो देखिए चौथा का आपका खा हो जाएगा, जटमल हो जाएगा, याद रखिएगा, जो कि गौरा बादल कथा के क्या है, लेखक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, देखिए 5वां नंबर प्रश्न देखिए स्क्रीन पर आ चुका है। 5वां नंबर प्रश्न, हिंदी किस वर्ष नई चाल में ढली। जो हमारी हिंदी है ये बेसिकली किस वर्ष नई चाल में ढली, आपके पास 4 ऑप्शन हैं। इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा खा, सन 1873 ईस्वी में जो हिंदी है ये क्या है, नई वर्ष क्या है, नई चाल में ढली सन 1873 में। यदि स्टूडेंट जो मैं आपको बहुविकल्पीय प्रश्न बता रहा हूँ इनमें से कोई भी ऑप्शन
क्या है, कोई भी ऑप्शन गलत लग रहा है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, उस वीडियो को हम चेकआउट करेंगे। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है ना, हम बुक में देखते हैं, बुक में भी ऑप्शन काफ़ी गलत होते हैं, तो हमें गूगल पर भी उसको रिसर्च करना पड़ता है ताकि आपका एक एक क्या है क्वेश्चन गलत ना हो। क्वेश्चन को हम रिसर्च करते हैं कि भैया ये जो ऑप्शन जो प्रश्न दिया हुआ है इसका क्या आंसर सही है या गलत है, तो हम उसके बाद में उसका हम डिसीजन लेते हैं। जैसे 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई किस युग में प्रकाशित हुई। जो ब्राह्मण पत्रिका है, द्विवेदी युग में, छायावाद युग में, भारतेंदु युग में या पूर्व भारतेंदु युग में। तो यहाँ पर आपका भारतेंदु युग हो जाएगा, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और भारतेंदु युग के बारे में, भारतेंदु युग के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। तो ब्राह्मण पत्रिका जो प्रकाशित हुई किसमें हुई, भारतेंदु युग में, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए 7वां प्रश्न क्या पूछा गया है, सत्यार्थ प्रकाश रचना है, सत्यार्थ प्रकाश रचना है किनका रचना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सदल मिश्र का, राजा लक्ष्मण सिंह का, लक्ष्मण सिंह की या स्वामी दयानंद की या वासुदेव अग्रवाल की। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, तो स्टूडेंट याद रखिएगा इनमें से आपका स्वामी दयानंद जी हो जाएंगे सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार। 8वां प्रश्न देखिए, नगरी प्रचारिणी सभा, 8वां प्रश्न देखिए क्या स्टूडेंट, नगरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की। श्याम सुंदर दास हो जाएंगे, लेकिन नगरी प्रचारिणी सभा के जो रचनाकार हैं, क्या स्थापना इन्होंने ही किए थे, जो रचनाकार हैं वो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ये याद रखिएगा। रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या है बात चैप्टर लिखा था, और नगरी प्रचारिणी सभा के जो रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल हैं। स्थापना किसने किया था, स्थापना श्याम सुंदर दास जी ने किया था, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर स्थापना की बात हो रही है, जब रचनाकार की बात होती तब रामचंद्र शुक्ल जी आते, ये आपको याद रखना है। 9वां प्रश्न देखिए, हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था, हिंदी गद्य उत्कर्ष का सूर्योदय काल था किस युग में, काल था ये भैया, ये आपका हो जाएगा द्विवेदी युग में। कहाँ पर था, द्विवेदी युग, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9वां प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है स्टूडेंट, बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करना है, क्योंकि जो आपकी कॉपी की शुरुआत होगी आपने भी देखा होगा कि कॉपी की शुरुआत किस चीज़ों से होती है, बहुविकल्पीय प्रश्न से शुरुआत होती है। हमें 10 प्रश्नों का आंसर देना पड़ता है, तब हम आगे जाकर गद्यांश और पद्यांश पर पहुंचते हैं, फिर हमारी सारी प्रक्रियाएं स्टार्ट हो जाती हैं, जिनसे हमें क्या है 100 में से 100 नंबर दिलने की प्रक्रिया है। यदि आप में क्या है 100 नंबर का पूर्णांक होता है तो उसी हिसाब से हमें क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, उसको हमें हल करना पड़ता है। तो 10 नंबर जो प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक है, भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के या प्रेमचंद युग के। तो महावीर प्रकाश द्विवेदी, यहाँ पर आप देख सकते हैं द्विवेदी इनके नाम में है, तो द्विवेदी युग रात इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के क्या है लेखक हैं। 11वां प्रश्न देखिए, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल है, जो सरस्वती पत्रिका है इसका जो प्रकाशन काल है कब है, 1868 में, 1900 ईस्वी में, 1880 में, 1870 ईस्वी में। तो यहाँ पर भैया जो राइट आंसर हो जाएगा खा हो जाएगा 1900 ईस्वी हो जाएगा 11वां प्रश्न का सही विकल्प। 12वां प्रश्न देखिए, कंकाल के, देखिए 12वां प्रश्न, कंकाल के लेखक कौन है या लेखक हैं, आगे जी हैं, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या जैनेन्द्र कुमार। कंकाल के लेखक है भैया, बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है, और इसका भी आंसर आसान हो जाएगा जयशंकर प्रसाद पर, आप बिना क्या है बिना सोचे और आंख मूंद कर भी जयशंकर प्रसाद पर आप टिक लगा दीजिए, क्योंकि कंकाल के लेखक भैया यही हैं। 13वां प्रश्न देखिए, उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं उपन्यास सम्राट, तो उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी माने जाते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी उपन्यास के क्या जाने माने सम्राट हैं ये। उसके बाद में 14वां प्रश्न देखिए, किनका वास्तविक क्या है, किनका वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे था, यहाँ पर नाम होना चाहिए, नाथ लिख दिया है, यहाँ पर नाम होना चाहिए, याद रखिएगा किनका वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे था। तो आपके स्क्रीन पर मैं 4 विकल्प भी दे देता हूँ, यदि आपको स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं हिंदी की, और एक प्रकार से आप ढूंढ रहे हैं कि जो मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न याद किया क्या बोर्ड एग्जाम में आएगा भी, तो इन सभी प्रश्नों से आप एक प्रकार से प्रेरणा ले सकते हैं, और टेस्ट के रूप में भी इसको आप यूज कर सकते हैं। मैं जितने भी प्रश्नों को बता रहा हूँ, 20 प्रश्न को बताऊँगा बहुविकल्पीय को, तो 20 में से आप उसका राइट आंसर देंगे, ईमानदारी से आप उसको आंसर
दीजिए और उसके बाद में हमें कमेंट कीजिए कि सर हमारा इतने में से इतना सही गया, क्या है इतने में से इतना सही गया, उसी हिसाब से जो है हम आप लोगों की अच्छी सी तैयारी कराएंगे और देखेंगे कि भैया हमारे स्टूडेंट जो है इतना प्रिपरेशन कर चुके हैं हिंदी में। तो हिंदी को भी आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट सोचते क्या हैं, वो सोचते हैं कि हम बाद में तैयारी करेंगे, बाद वाला भैया बीत चुका है, क्योंकि कहा गया है कल करे सो आज कर, आज करे सो। तो किनका वास्तविक नाम क्या है, केदारनाथ पांडे था। तो राहुल क्या है भैया, राहुल संकीर्तियान, राहुल संकीर्तियान जो है हो जाएंगे। किनका वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे था, तो इन्हीं का था। गा नंबर सही विकल्प हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, देखिए 15 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, ये देखिए तिब्बत यात्रा के लेखक हैं, तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है, अध्यापक पूर्ण सिंह जी हैं, राय कृष्णदास जी हैं, राहुल संकीर्तियान हैं या आज्ञे हैं। तो यहाँ पर आपका राहुल संकीर्तियान हो जाएंगे तिब्बत यात्रा के लेखक। अगला प्रश्न देखिए, देखिए 16 नंबर प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की कृति है, जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी है, इसमें कुटज है, आत्मनेपद है, ध्रुव स्वामिनी है, आषाढ़ का एक दिन। तो यदि आपने जयशंकर प्रसाद की रचनाएं के बारे में पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा, यहाँ पर आपका ध्रुव स्वामिनी हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद की जो कृति है ये यही है। 17 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, रामवृक्ष बेनीपुर का उपन्यास है, बहुत ही आसान प्रश्न है, और इनमें से जो रामवृक्ष बेनीपुर का जो उपन्यास है भैया वो हो जाएगा पतीतों के देश में। ये काफ़ी बार आपने सुना होगा कि पतीतों के जो देश के रचनाकार कौन हैं, तो वो भैया यही हमारे रामवृक्ष बेनीपुर जी हैं, ये आपको याद रखना है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, आंचलिक कहानी लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं, जो आंचलिक कहानी है इसके लिखने के लिए जो प्रसिद्ध हैं भैया, फणीश्वरनाथ रेणु जी प्रसिद्ध है, आपको याद रहेगा पंचलाइट कहानी इन्होंने ही लिखा है, जो कि बिहार के एक गांव के बारे में चर्चा किया गया है उसमें, और उसका जो मुख्य हीरो कौन है भैया उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। देखिए आंचलिक कहानी के जो लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं भैया वो फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं, ये आपको याद रखना है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, पंडित दीनदयाल के पिता थे, जो पंडित दीनदयाल जी हैं इनके पिता कौन थे, किसान थे, लिपिक थे, हेडमास्टर थे या स्टेशन मास्टर थे। पंडित जो दीनदयाल भैया उपाध्याय जी हैं, तो उनके जो पिता थे इनमें से आपका घा राइट आंसर हो जाएगा, कौन था भैया, स्टेशन मास्टर पर आप टिक लगा दीजिएगा आँख मूंद कर, इनमें से घा हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर और हमारा आखिरी प्रश्न देखिए, इसमें आकाश के तारे रचना के क्या है, आकाश के तारे रचना के रचनाकार कौन है, एक प्रकार से रचना है और इसके रचनाकार कौन है, जिन्होंने आकाश के तारे का रचना किया है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, रामवृक्ष बेनीपुर जी हैं भैया, जैनेन्द्र कुमार या मोहन राकेश। तो इनमें से 20 नंबर प्रश्न का कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हो जाएंगे आकाश के तारे के रचनाकार, ये आपको याद रखना है। तो 20 नंबर प्रश्न भी हमारा ये क्लियर हो गया। और देखिए हिंदी में आपका 10 प्रश्न पूछे जाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, एक एक नंबर का आपका प्रत्येक प्रश्न होता है, तो यदि आपने टेस्ट के रूप में इन सभी प्रश्नों को लिया होगा तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में भी बता दीजिएगा। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाता है, महत्वपूर्ण गद्यांश। महत्वपूर्ण गद्यांश आ चुका है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में कितने 10 नंबर का पूछा जाता है, कितने नंबर का, 10 नंबर का पूछा जाता है, ये गद्यांश है, इसी गद्यांश को हम हल करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। देखिए कुछ आपका इस तरह से ये क्या है गद्यांश पूछा गया है, और उसके बाद में देखिए इसके 5 प्रश्न हैं, ये आपको देख सकते हैं ये इसके 5 प्रश्न हैं, एक प्रश्न पीछे दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है, 5 प्रश्न है, 2 नंबर का आपका एक प्रश्न है, कितने नंबर का भैया, 2 नंबर का आपका एक एक प्रत्येक प्रश्न है, 2-2 नंबर का, टोटल 5 प्रश्न है, जिसमें आपको क्या है, क्या है 5 प्रश्न है टोटल, गुणे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 × 2 = 10, 10 नंबर आपका एक गद्यांश को हल करने में मिलेगा। 5 प्रश्न है, 5ों प्रश्न का आंसर देंगे तब जाकर हमें 10 नंबर मिलेगा। जैसे एक प्रश्न का आंसर देते हैं तो 2 नंबर तो हमारा कंफर्म है, क्योंकि एक प्रश्न का आंसर दिया है, 2 नंबर हमें कोई नहीं काट सकता, 2 नंबर हमारा। तो देखिए जो गद्यांश है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये गद्यांश दिया है कि उपयुक्त, सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं, ये हमारा प्रश्न कुछ इस तरह से है, यहाँ पर देखिए उपयुक्त गद्यांश के पाठ तथा शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए, यानी जो ये गद्यांश दिया हुआ है इसके क्या है, मैं आगे बताऊंगा आपको कि इसका पाठ और लेखक कौन है। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और शीर्षक का लेखक का नाम लिखिए। तथा दूसरा जो प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ऊपर रेखा खींची हुई इसको भी हम आपको दिखाएंगे।
और जो तीसरा क्या है, भूमि के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, चौथा हमारी राष्ट्रीयता कब बलवती होती है। तो ये जो स्टूडेंट जो दो प्रश्न है ये आप देख सकते हैं, उपयुक्त गद्यांश के पात्र तथा लेखक का नाम, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, ये दोनों प्रश्न कंपलसरी है। मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, चाहे गद्यांश हो या पद्यांश हो, ये दोनों में प्रश्न पूछा जाता है और दोनों में प्रश्न आपका भैया 4 नंबर कन्फर्म रहता है। क्योंकि यदि आपने क्या है गद्यांश का, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम जान रखा है तो 2 नंबर आपका भैया किसी का बाप भी नहीं काट सकता, और रेखांकित अंश की व्याख्या भी आपको करनी ही करनी पड़ती रहती है। बाकी जो बचते हैं 3 प्रश्न, जो 3 प्रश्न बचते हैं वो गद्यांश से रिलेटेड ही होते हैं, जिसका आंसर आपको गद्यांश में ही देखने को मिल जाएगा, नहीं तो आप बुक में भी इसका आंसर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ हमारा इस प्रकार से क्या है गद्यांश है। सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं, फिर इसके हल करने की सारी प्रक्रियाएं देखते हैं कि किस तरह से हमें हल करना है, किस तरह से इसके प्रश्नों का आंसर देखना है। देखिए गद्यांश को सबसे पहले पढ़िए क्या है, ये हमारा महत्वपूर्ण गद्यांश है। और इस गद्यांश का जो लेखक है भैया कौन है, ये गद्यांश के लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। और इसका जो नाम है क्या है भैया, राष्ट्र का स्वरूप, पाठ का नाम यानी चैप्टर का नाम राष्ट्र का स्वरूप है। तो गद्यांश को पढ़िए, देखिए क्या है, भूमि का निर्माण देवों ने किया है वो अनंत काल से है। जो भूमि का निर्माण है ये देवों ने किया है वो अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप सौंदर्य कर्तव्य भौतिक रूप सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के क्या है, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी क्या है, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, ये जो पृथ्वी है सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी से नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होगी क्या है, पृथ्वी में जितनी गहरी होगी उतनी ही राष्ट्रीय भाव अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आदोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता उपयोगिता और क्या है महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो ये जो लिया गया गद्यांश, ये राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया, इसके लेखक हैं डॉक्टर क्या है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। सबसे पहला चैप्टर है आपका क्लास 12 हिंदी में, तो ये गद्यांश दिया हुआ है। अब इसी गद्यांश के प्रश्न देखते हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपका ये प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन जो गद्यांश होता है, 3 प्रश्न तो गद्यांश से रिलेटेड पूछे जाते हैं, जो ये आपका सारा गद्यांश है, इस गद्यांश से रिलेटेड आपका ये सारे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 2 प्रश्न तो कंपलसरी है, ये चाहे गद्यांश हो या पद्यांश हो दोनों में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न दिया हुआ है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ तथा शीर्षक का नाम लिखिए, ये 5 प्रश्न हमारा रख लीजिए। तो चलिए इसको भी कॉपी में किस तरह से लिखना है चलिए हम देखते हैं। क्लास 12 हिंदी का गद्यांश कैसे हल करें प्रक्रिया हम देखते हैं। ये हमारा कुछ इस प्रकार से गद्यांश दिया हुआ है, इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ तथा शीर्षक का नाम लिखिए, तो यहाँ पर हमें बेसिकली क्या है संदर्भ में लिखना पड़ेगा, संदर्भ में लिखना पड़ेगा कि पाठ और लेखक का क्या है, क्या नाम है। तो पाठ का नाम भैया राष्ट्र के स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल, हमें पता चल गया है। चलिए हल करते हैं, देखिए गद्यांश कैसे हल करना है, 10 नंबर हमें मिल जाएगा यदि इस तरह से हल करेंगे। बहुत ही आसान तरीका हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक आप देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि हम आप ही के लिए सारी मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट। चलिए देखते हैं, देखिए पहले नंबर प्रश्न में पूछा जाएगा कुछ इस तरह से, तो आपको बोर्ड एग्जाम में क्या है ब्लैक और ब्लू पेन यूज किया है, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ। फिलहाल हम संदर्भ लिखने पर चर्चा करते हैं। देखिए देखिए संदर्भ हो चुका है, उसके बाद में क्या करेंगे हम अंडरलाइन कर देंगे इसको, वहाँ पर आप ब्लैक स्केच से अंडरलाइन कर दीजिएगा। संदर्भ को चलिए लिखते हैं, संदर्भ को क्या करेंगे हम नीले पेन से लिखते हैं संदर्भ को। प्रस्तुत गद्यांश हमारी क्या है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक गद्य भाग, यहाँ पर हमें ब्लैक पेन का यूज करना है।
गद्य भाव में संकलित है। संकलित राष्ट्र के स्वरूप, क्योंकि चैप्टर का नाम है भैया जो गद्यांश दिया हुआ है, ये राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया एक प्रकार से गद्यांश है। राष्ट्र के स्वरूप कॉमा के अंदर कर देंगे, राष्ट्र के स्वरूप शीर्षक से लिया गया है। बहुत ही आसान है संदर्भ लिखना, शीर्षक से क्या भैया लिया गया है, जिसके जिसके लेखक कौन है भैया, कॉमा के अंदर लिखिएगा वासुदेव शरण अग्रवाल, इनका गद्यांश भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है और हर साल भी पूछा जाता है। अग्रवाल जी हैं, देखिए हमने संदर्भ लिख दिया है, संदर्भ में लिखा क्या है कि हमने चैप्टर के बारे में, जो पहला हमारा प्रश्न था कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और शीर्षक का नाम लिखिए, तो आपको बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरीके से लिखना है। जैसे कि संदर्भ में आप देख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक गद्य भाग में संकलित राष्ट्र के स्वरूप शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। ये जो गद्यांश लिया गया है ये इन्हीं से चैप्टर से लिया गया है और इसके जो लेखक कौन है भैया, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो पहला प्रश्न हमारा क्लियर हो गया, दो नंबर हमें इसमें मिल जाएगा। अब बचता है रेखांकित तंत्र की व्याख्या, जो चलिए वो देख लेते हैं क्या है रेखांकित तंत्र की व्याख्या किसे कहते हैं। देखिए ये जो रेखा खींची हुई आप देख सकते हैं रेड पेन से खींचा गया है, रेड स्केच से, इसी को हमें क्या करना है, इसका हमें व्याख्या करना है। जैसा कि लिखा क्या गया है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है वो अनंत काल से है, तो हमें इसी का वर्णन करना है। क्या है रेखांकित तंत्र की वर्णन करना है, व्याख्या करना है, तो इसका व्याख्या भी देखिए क्या है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से, देखिए बोर्ड एग्जाम में जो है वासुदेव शरण अग्रवाल का जो गद्यांश है ये हर साल मिनिमम हर साल पूछा जाता है अथवा लगकर पूछा जाता है, जिसमें 10 नंबर आपको मिल जाएगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको चैप्टर का नाम याद रखना है कि भैया ये चैप्टर से लिया गया है, और आप ऑटोमेटिक क्या है गद्यांश को पूरा पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक तो ऑटोमेटिक आपको क्या है नाम और उसके लेखक का नाम आपको आ जाएगा भैया, जब आप कोई भी एक पॉइंट पकड़ेंगे कि भैया जैसे कि इसमें दिया हुआ था राष्ट्र के स्वरूप क्या है, हमारी जननी बलवती है, हमारी भूमि बलवती है, तो भैया राष्ट्र के स्वरूप से हमने पढ़ा है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, तो हमें पता चल गया। अब देखिए रेखांकित तंत्र की व्याख्या में देखिए क्या है, इसका जो लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी रेखांकित तंत्र की व्याख्या में क्या कहते हैं, देखिए लेखक राष्ट्रीयता के विकास हेतु राष्ट्र के प्रथम महत्वपूर्ण तत्व भूमि के बारे में क्या है, राष्ट्र के प्रथम महत्वपूर्ण तत्व भूमि के बारे में बता रहे हैं कि भूमि का निर्माण देवताओं के द्वारा किया गया है और इसका अस्तित्व अनंत काल से है। क्या है जो भूमि का निर्माण है ये देवताओं के द्वारा किया गया है, इसका जो अस्तित्व है ये अनंत काल तक है। जो रेखांकित तंत्र की व्याख्या है वो इसी में छोटी भी व्याख्या है आप देख सकते हैं, और क्या देवों ने किया है वो अनंत काल से है, यहीं पर इसका व्याख्या कर दिया गया कि लेखक जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी कह रहे हैं कि विकास हेतु राष्ट्र का जो प्रथम महत्वपूर्ण तत्व है ये भूमि है, हमारी धरती माता है, भूमि के बारे में बता रहे हैं कि भूमि का निर्माण देवताओं ने किया है और इसका जो अस्तित्व है अनंत काल तक रहेगा धरती का अस्तित्व। तो ये हमारा रेखांकित तंत्र की व्याख्या भी हो चुका है और इसमें भी हमें दो नंबर मिल चुका है। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया है कि भूमि के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, क्या हमारा कर्तव्य है, तो इसका आंसर भी देखिए ये देखिए भूमि के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम इसके सौंदर्य के प्रति सचेत रहें और इसका रूप क्या है विकृत ना होने दें, साथ ही प्रत्येक मनुष्य का ये भी कर्तव्य है कि वो भूमि को विभिन्न प्रकार से क्या है समृद्ध बनाने की दिशा में सचेष्ट रहें। कहने का तात्पर्य यह है कि हम रहें या कोई भी रहे तो भूमि को क्या हमें कर्तव्य पूर्ण बनाना है, भूमि हमारी माता है उसे हमें कर्तव्य रूप से उसमें गंदगी नहीं करना है, उसको क्या है उपजाऊ बनाना है। तो यहाँ पर ये बात हो रही है भूमि के प्रति
प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, ये हमारा तीसरे प्रश्न में बताया गया है जो कि गद्यांश से लिया गया है। उसके बाद में देखिए चौथा प्रश्न क्या पूछा गया है, ये देखिए हमारी राष्ट्रीयता कब बलवती होगी, ये चौथा प्रश्न है इस गद्यांश से लिया गया। तो इसका आंसर भी देखिए, देखिए चौथा नंबर प्रश्न में कि हमारी पृथ्वी के गौरवपूर्ण अस्तित्व के प्रति जितना अधिक सचेत रहेंगे उतनी ही अधिक हमारी राष्ट्रीयता क्या है, राष्ट्रीयता बलवती होगी। जो हमारी पृथ्वी है, हम जब जितने ही क्या है अस्तित्व के प्रति जितना है अधिक सचेत रहेंगे उतनी ही हमारी जो राष्ट्रीयता है ये बलवती होगी। उसके बाद में पाँचवा प्रश्न देखिए क्या है, पृथ्वी के बारे में क्या जानना चाहिए, जो हमें है पृथ्वी के बारे में क्या जानना चाहिए। तो इसका भी आंसर दिया हुआ है, ये देखिए प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप को जानना चाहिए तथा उसके रूप सौंदर्य उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का ना केवल क्या है परम कर्तव्य है अपितु उसका धर्म भी है। कि पृथ्वी क्या है पहले किस तरह से थी और अब किस तरह से है, ये हमें इसकी उपयोगिता और इसकी सौंदर्य की हमें चर्चा करनी चाहिए। तो ये पाँच प्रश्न था, आप देख सकते हैं जो ये गद्यांश लिया गया राष्ट्र के स्वरूप का, पांचों प्रश्नों को हम हल कर दिए। जैसा कि हमने बताया था ये दो प्रश्न कंपलसरी होते हैं, गद्यांश पद्यांश दोनों में पूछे जाते हैं, हर गद्यांश में पूछे जाते हैं, हर पद्यांश में पूछे जाते हैं। बाकी जो बचे तीन प्रश्न ये इसी गद्यांश से लिए गए हैं और इसी गद्यांश में इसका आंसर आपको भी देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा जो गद्यांश है इसको हमने हल कर दिया है। 10 नंबर यदि आप इस तरह से हल करेंगे और इस तरह से आप संदर्भ लिखेंगे तो आपका 10 नंबर कोई भी नहीं काट सकता हिंदी में, ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाता है। अब हमारा आ चुका है महत्वपूर्ण पद्यांश, क्या है, हमने अभी तक गद्यांश को हल किया, अब हमारा आ चुका है ये भी पद्यांश और ये भी 10 नंबर का पूछा जाता है और इसमें भी क्या होते हैं पांच प्रश्न होते हैं। मैं दिखा दूँ आपको, ये भी पांच प्रश्न होते हैं और इसी में जैसा कि हमने बताया था दो ये प्रश्न कंपलसरी होते हैं, उपयुक्त पद्यांश के पाठ हो, कवि का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या। बाकी जो बचे तीन प्रश्न ये इसी पद्यांश से लिए गए हैं, याद रखिएगा जो ये पद्यांश दिया हुआ है इसी पद्यांश से ये लिए गए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पद्यांश को पढ़ लेते हैं, इसके बाद में इसके प्रश्नों के बारे में हम बताएंगे, फिर इसको हम पद्यांश को क्या है हल करेंगे, जिस प्रकार से मैं हल कर रहा हूँ बोर्ड परीक्षा में आपको भी हल करना है, वो भी बोर्ड की कॉपी में। तो देखिए सबसे पहले हम पद्यांश को पढ़ लेते हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूँ ये जो पद्यांश लिया गया है किस चैप्टर से लिया गया है, यमुना छवि से लिया गया है, क्या है, यमुना छवि से लिया गया एक पद्यांश है, इसके कवि हैं भारतेंदु हरीशचंद जी। चलिए पढ़ते हैं पद्यांश को, देखिए तरन तरनुजा तट तमल तरुवर बहु छाए झुके कुल सो जल परसन हित मनु सुहाय, क्या है, परसन हित मनु सुहाय और किधो मुकुर में लखत उझाकी सब निज शोभा ओ के पनवत जल जानी परम पावन फल लोभा मनु आतप वारन तीर को सिमिट सबे छाए रहत और के हरि सेवा हित ने रहे, क्या है, कि हर सेवा नित ने रहे निरख नैन मन सुख लहत। यहाँ पर जो तन तरुजा तट तमल इस आपको पद्यांश इसके बारे में आपने पढ़ा होगा और ये बोर्ड एग्जाम में भी काफ़ी पूछे जाते हैं, क्या है, ये जो पद्यांश है 10 नंबर का ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं, यमुना छवि से लिया गया पद्यांश है, इसके कवि भारतेंदु हरीशचंद जी हैं। बेसिकली हमने पद्यांश को पढ़ लिया है कि तनक तरुजा तट तमल तरुअर बहु छाए और झुके कुल सो जल प्रसन्न हित मन सुहाए। अब इसके देखिए प्रश्न को हम देख लेते हैं, पांच जो प्रश्न है वो किस तरह से पूछे गए हैं। सबसे पहले उपयुक्त पद्यांश की शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, वहाँ पर लेखक का नाम था यहाँ पर कवि का आ जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए भैया, कि जो रेखा खींची हुई है यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको, हाँ इसी की हमें व्याख्या करनी है, आप देख सकते हैं हरे पेन से हरी स्केच से इसका जिक्र किया गया है रेखांकित अंश की व्याख्या। बाकी जो बचे तीन प्रश्न की जल रूपी दर्पण में अपनी शोभा देखने के लिए उचक उचक कर कौन आगे झुक रहा है इसको भी हम बताएंगे। चौथा है कवि के अनुसार किन्हें देखकर नेत्रों की ओर मन को सुख प्राप्त होता है और पांचवा है उपयुक्त पंक्तियाँ के अलंकारों से क्या है सुशोभित हैं, तो इसके बारे में बताइए। चलिए हम पद्यांश को हल करते हैं फिर सारी चीज़ों को हम एक एक करके सारे प्रश्नों का आंसर भी हम देते हैं। देखिए क्लास 12 हिंदी का है, पद्यांश को हल करने का सबसे आसान तरीका हम आपको बताने वाले हैं, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है भैया, सबसे पहले हमें इसका संदर्भ लिखना है क्योंकि पहला प्रश्न ही पूछा गया है कि उपयुक्त के पद्यांश की क्या है पद्यांश की शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, तो हमें क्या है संदर्भ लिखना पड़ेगा, उसी में हमें सारी चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेगी कि ये भैया इस चैप्टर से लिया गया है, इसके कवि ये हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम प्रश्न नंबर 1 डालेंगे, उसके बाद में इस तरह से लिखेंगे क्या संदर्भ,
यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से लिखना है, और ब्लैक और ब्लू के अलावा कोई भी अदर पेन यूज नहीं करना है। मैं यहाँ पर जितने भी पेन यूज कर रहा हूँ आपको दिखाने के तौर पर कर रहा हूँ। संदर्भ में देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे क्या कि प्रस्तुत पद, यहाँ पर देखिए क्या प्रस्तुत पद भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, यहाँ पर हम कॉमा लगा देंगे, भारतेंदु भारतेंदु हरिश्चंद द्वारा रचित और द्वारा रचित और हमारी और हमारी पाठ्यपुस्तक पाठ्यपुस्तक के काव्य भाग, क्योंकि वो गद्य भाग से था, ये काव्य भाग पाठ्यपुस्तक के काव्य में संकलित राइटिंग में लिखिएगा स्टूडेंट संकलित यमुना छवि, क्योंकि जो चैप्टर का नाम है भैया यानी शीर्षक का नाम यमुना छवि, यमुना छवि शीर्षक काव्यांश क्या है, शीर्षक है भैया वो पाठ का नाम था, यहाँ पर शीर्षक किया जाएगा, वहां पर भी हमने शीर्षक ही लिखा था। देखिए शीर्षक काव्यांश से उद्भूत है, क्या शीर्षक काव्यांश से उद्भूत है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट हमने संदर्भ लिख दिया है, पहला जो प्रश्न था कि उपयुक्त पद्यांश की शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, तो हमें संदर्भ में इसी प्रकार से लिखना पड़ेगा कवि और क्या है शीर्षक का नाम कि प्रस्तुत पद भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा क्या है रचित हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य भाग से संकलित यमुना छवि शीर्षक का आह्वान से क्या है ये उद्भूत है, जो ये पद्यांश लिया हुआ है ये पद्यांश क्या है इसी से ये उद्भूत है। देखिए पहला प्रश्न तो हमारा हो गया, दूसरा जो प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखा क्या है जो खींची हुई है कि तरण तनुजा तट तमल तरवर बहु छाए और झोंके कुल सो जल प्रसन्न हित मन सुहाए, इसी की हमें व्याख्या करनी, जो ये लाइनें दिए हुए हैं इन्हीं में हमें व्याख्या करनी है कि भैया जो कवि है कहना क्या चाहता है पद्यांश में। देखिए तो ये कुछ आपका रेखांकित अंश की व्याख्या है, ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपको करना रहेगा बोर्ड एग्जाम में, आपको यहाँ पर हमने पहले से लिखा था क्योंकि लिखने में काफ़ी समय जाता है इसमें, तो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, किसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या आपको इस प्रकार से हेडिंग डाल देना है कि रेखांकित अंश की हम व्याख्या कर रहे हैं, इसमें लिखना क्या है कि यमुना के किनारे तमाल के अनेक सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, वे तट पर आगे क्या है वे तट पर आगे को झुके हुए ऐसे लगते हैं कि मानो यमुना के पवित्र जल का स्पर्श करना चाहते हों, किसका यमुना का जो तमाल क्या है, यहाँ पर आप देखिए तमाल के अनेक वृक्ष जो यहाँ पर आपने पढ़ा कि तरण तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, तो एक तमाल का वृक्ष है जिसमें क्या है सुंदर वृक्ष सुशोभित है वे तट पर आगे को झुके हुए ऐसे लगते हैं कि मानो क्या है यमुना के पवित्र जल को क्या है स्पर्श करना चाहते हैं, क्योंकि जो शीर्षक है यानी जो पाठ का नाम है शीर्षक यमुना छवि है, तो भैया यमुना के पवित्र जल को क्या है स्पर्श करना चाहते हैं कौन तमाल के जो वृक्ष हैं यमुना के किनारे सुंदर वृक्ष में सुशोभित हैं और तट पर आगे झुके हुए हैं ऐसे लगते हैं कि मानो जो यमुना की पवित्र नदी है या पवित्र जल है इसको क्या है वो तमाल का वृक्ष स्पर्श करना चाहता हो, तो कवि जो यही कहना चाहता है रेखांकित अंश की व्याख्या में। बाकी जो बचता है देखिए तीन प्रश्न जो बचते हैं ये आपका बच जाता है भैया इसी पद्यांश, तो इसी पद्यांश को देखते हैं। देखिए क्या है तीसरा प्रश्न कि जल रूपी दर्पण में अपनी शोभा देखने के लिए उचक उचक कौन आगे झुक गए हैं, क्या है जो जल रूपी दर्पण है कौन है यमुना का जो जल है इस पर कौन है उचक उचक कर कौन आगे झुक गया है, तो इसको भी हम देख लेते हैं क्योंकि दो दो नंबर का एक एक प्रश्न है, छोड़ना नहीं है एक भी प्रश्न स्टूडेंट, याद रखिएगा एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है।
देखिए, जल रूपी दर्पण में अपनी शोभा देखने के लिए तमाल के वृक्ष क्या है उचक उचक कर आगे झुक गए। कौन? जो तमाल का वृक्ष है वो किसमें? यमुना जल के पवित्र की क्या है देखने के, क्या है जल रूपी दर्पण में अपनी शोभा, या क्या है अपना, जैसे हम शीशे में कह रहे मिरर में क्या अपना चेहरा देखते हैं, वो जल रूपी दर्पण में जो क्या तमाल का जो वृक्ष है वो अपना दर्पण देखने के लिए तमाल का वृक्ष क्या है उचक उचक कर आगे झुक गए हैं। ये जो है कवि का कहा गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कहा गया है। उसके बाद में चौथा प्रश्न क्या पूछा गया है, कवि के अनुसार किन्हें देखकर नेत्रों की ओर मन को सुख प्राप्त होता है। कवि के अनुसार, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के अनुसार यहाँ पर बात हो रही है, तो देखिए क्या है चौथा में, तमाल के सुंदर वृक्षों को यमुना तट पर जल की, तमाल के जो सुंदर वृक्ष हैं यमुना तट पर जल की ओर झुके देखकर नेत्रों और मन को क्या है सुख प्राप्त होता है। क्या है हमारे जो नेत्र और क्या है नेत्र और जो मन है उसको क्या है सुख प्राप्त होता है तमाल के सुंदर वृक्षों को यमुना तट के किनारे जल की ओर झुके देखकर। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए पांचवा प्रश्न क्या पूछा गया है कि उपयुक्त पंक्तियाँ किन अलंकारों से सुशोभित है। जो ये पक्का आंसर है, देखिए उपयुक्त पंक्तियाँ अनुप्रयास, संदेह और उत्प्रेक्षा अलंकार से क्या है सुशोभित हैं। तो इसमें भी आपको दो नंबर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, यदि आप इस तरह से क्या है पदांश को हल करेंगे, जो मैंने आपको बताया मैं दिखा दूँ आपको फिर से, यदि आप इस तरह से पदांश को हल करेंगे तो 10 नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में कोई भी नहीं काट सकता। और इसमें जो 5 प्रश्न पूछे गए हैं पांचों प्रश्न का आंसर बड़े ही आसानी से आप दे ले जाएंगी। ये आपको याद रखना है, बस आपको संदर्भ लिखना आना चाहिए और रेखांकित तंत्र की व्याख्या करना आना चाहिए। बाकी जो बचते हैं 3 प्रश्न जो कि गद्यांश से पदांश से ले जाते हैं, उसी में आपको आंसर मिल जाएगा। जब आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे उसी का आंसर आपको दे दिया जाएगा। हमने भी जो पेपर दिया था उसी में हमने इसे ट्रक लगाया था और हमें 10 में 10 पूरा नंबर मिला था। ये आपको याद रखना है। तो इस वीडियो में हमने पदांश को भी हल कर दिया है। चलिए देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाता है। जीवन परिचय हम किनका देखेंगे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, क्योंकि ये जीवन परिचय हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। जीवन परिचय में क्या पूछा जाता है, जैसे जीवन परिचय में इनका जीवन परिचय हो गया, साहित्यिक परिचय और इनकी कृतियाँ या रचनाएँ, क्योंकि कृतियाँ और रचनाएँ एक ही हैं लेकिन काफ़ी स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, वहाँ की कृतियाँ अलग हैं लेकिन भैया कृतियाँ जो हैं वो रचनाएँ को ही कहा गया है। तो जीवन परिचय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हम जीवन परिचय देख लेते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये हर साल पूछे जाते हैं और यदि आप इनका जीवन परिचय याद कर लेते हैं तो 5 नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में कोई भी नहीं काट सकता। ये आपको याद रखना है। और जो मैं आज आपको तरीका बताने वाला हूँ जीवन परिचय लिखने का, बहुत ही शॉर्ट तरीका है जिससे आपको एग्जामिनर 5 नंबर बहुत ही आसानी से क्या है प्रोवाइड कर देगा। चलिए देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय किस तरह से लिखना है आपको बोर्ड एग्जाम में। देखिए, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म, हिंदी के कौन है श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में, क्या है 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के क्या है प्रखंड विद्वान थे। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का क्या है उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। तत्पश्चात ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की क्या है सभापति भी रहे और 1979 ईस्वी को ऋणग्रस्तता के कारण क्या है स्वर्ग सिधार गए। 1979 ईस्वी में ऋणग्रस्तता के कारण कौन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब आप देख सकते हैं जीवन परिचय में हमने ज़्यादा बड़ा इनका जीवन परिचय क्या है नहीं दिया है। इसके बाद में देखिए जीवन परिचय लिखना क्या होता है, 80 शब्दों में हमें जीवन परिचय इनका देना होता है, टोटल हमें 80 शब्दों में। तो यहाँ पर हमें जीवन परिचय शॉर्ट में ही लिखना पड़ेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। जीवन परिचय में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो साहित्यिक परिचय होता है, साहित्यिक परिचय को हमें थोड़ा ज़्यादा बड़ा लिखना पड़ता है, जीवन परिचय ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। जीवन परिचय में स्टूडेंट क्या क्या इम्पोर्टेंट रहता मैं आपको बता दूँ। देखिए इनका क्या है कितने ईस्वी में जन्म हुआ, कहाँ पर जन्म हुआ, इनका जो जन्म स्थान कहाँ पर है, इनके पिता का क्या नाम है और इन्होंने कौन कौन सी शिक्षा ग्रहण की और इनकी मृत्यु कब हो गई। बस यही आपका क्या होता है जीवन परिचय में होता है, लेखक का जीवन परिचय में बता रहा हूँ स्टूडेंट याद रखिएगा। इसके बाद में हम कवि का जीवन परिचय बताएंगे।
उसके बाद में आप देख सकते हैं, ये देख लिया। अब देख लिया, साहित्यिक परिचय देख लेते हैं आचार्य हरिचरण प्रसाद द्विवेदी जी का, कि साहित्यिक परिचय कैसे होता है। देखिए, ये साहित्यिक परिचय है। साहित्यिक परिचय लिखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। जीवन परिचय को आप थोड़ा बड़ा लिखिए, क्योंकि 80 शब्दों में लिखना है। जितना पूछा गया है उतना भी आंसर देंगे भैया, तभी हम फायदे में रहेंगे और तभी हम सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगी। देखिए, साहित्यिक परिचय क्या है, आचार्य हजारी प्रसाद क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार क्या है, प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और अध्यापक, यहाँ पर देखिए वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविन्द्रनाथ ठाकुर, यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं, रविन्द्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती, याद रखिएगा, विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथमाला का क्या है, आगे मैं दिखाऊंगा आपको, ग्रंथमाला का संपादन किया। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रण है। द्विवेदी जी साहित्य सेवा डीलिट क्या है, द्विवेदी जो है कौन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी डीलिट पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किए गए हैं। याद रखिएगा, साहित्यिक परिचय आप देख सकते हैं, थोड़ा बड़ा में लिखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। साहित्यिक परिचय में क्या होता है, इनकी कौन कौन से पुरस्कार मिले, साहित्यिक पुरस्कार में क्या होता है, साहित्यिक परिचय में इनकी कौन कौन सी विशेषताएँ हैं, ये इन्होंने किन किन चीज़ों पर कार्य किया है, तो ये साहित्यिक परिचय में हमें देना होता है। जीवन परिचय में हमने बता दिया है आपको। अब हम बात करते हैं क्या है इनकी, जीवन परिचय भी हमने बता दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जन्म स्थान, इनकी मृत्यु, इनका पिता का क्या नाम था, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, किस सन में हुआ था, इन्होंने कौन कौन से विषय के बारे में अध्ययन किया था, हमने बता दिया। साहित्यिक परिचय में के बारे में भी बता दिया। अब हमारा आ जाता है रचनाएँ या कृतियाँ कह लीजिए। बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न होते हैं किस तरह से पूछे जाते हैं, मैं आपको दिखा दूँ एक प्रकार से, ताकि आपका सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में। देखिए, बोर्ड एग्जाम में कुछ आपका इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ पर दिखा दूँ, ये देखिए प्रश्न क्या पूछे गए हैं। देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय क्या है देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी फर्स्ट पर ही पूछे गए हैं। दूसरा है कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो हमें किन्हीं एक का करना है, जैसा कि भैया हम जैसे इस वीडियो में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय हम पढ़ रहे हैं, तो देख सकते हैं 5 नंबर का जीवन परिचय होता है, 3 नंबर हमें जीवन परिचय में दे दिया जाता है, 1 नंबर हमें साहित्यिक परिचय में, 1 नंबर हमें रचनाएं में दे दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, रचनाएं भी काफ़ी इनकी इंटरेस्टिंग रचनाएं हैं। देखिए, रचनाएं क्या हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, कुछ इस प्रकार से इनकी रचनाएं हैं। देखिए, सबसे पहले जो रचनाएं कौन सी आ जाती है, वो आ जाती है भैया निबंध संग्रह। सबसे पहली रचनाएं इनकी यही है, निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में कौन कौन सी रचनाएं हैं, ये देखिए, अशोक के फूल सबसे चर्चित इनकी रचना है, याद रखिएगा, और ये बहुविकल्पीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है यदि आपने पढ़ा होगा तो। निबंध संग्रह के बारे में जो आपका अशोक का फूल निबंध है, संग्रह है, ये बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते भैया, और ये इस तरह से पूछे जाते हैं कि इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की इन चारों में से एक रचना के बारे में बताइए, तो ये भैया अशोक के फूल के बारे में दे दिया जाएगा। नहीं तो अशोक के फूल के बारे में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अशोक के फूल के रचयिता कौन है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रचयिता हैं। कुटज, ये भी बारे में आपने सुना होगा, तो कुटज विचार प्रवाह, वितर्क क्या है, विचार और प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पता और ललित निबंध संग्रहित, जो कि निबंध संग्रह में ये सारी जो निबंध संग्रह हैं इनकी। दूसरा जो हमारा आलोचना साहित्य, आलोचना साहित्य में क्या है, सूरदास, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, इनमें द्विवेदी जी की क्या है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचनाएं हैं, जो कि आलोचनाएं साहित्य में सूरदास, कबीरदास की लालित्य योजना, कबीर साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, ये जो साहित्य इनकी आलोचना साहित्य है। तीसरा हमारा आ जाता है इतिहास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का इतिहास किस तरह से था इसको भी देखिए। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य इनमें इतिहास विवेचन है। चौथा हमारा क्या है, उपन्यास, उपन्यास में क्या है, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पूर्णनवा
और अनामदास का पोथा, ये भी इनका उपन्यास पूछा जाता है, अनामदास का पोथा ये भी काफ़ी चर्चित उपन्यास है, ये आपको याद रखना है। उपन्यास को भी हमने बता दिया। पांचवा हमारा आ जाता है संपादन। संपादन में क्या क्या चीज़ें हैं देखिए, नाथ सिद्धों की बनिया, संचित पृथ्वीराज, राशु, संदेश रासक, संपादन कला के दर्शन होते हैं, ये संपादन में आ जाती हैं सारी चीज़ें। अब हमारा जाता है अनुदूतित रचना यानी अन रचनाएँ की संबंधित में, प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, क्या पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर और मेरा बचपन आदि जो है अनुदूतित रचनाएँ में क्या है ये संबंधित है, अनुदूतित रचनाएँ में, ये आपको याद रखना है। तो ये जो हमारा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं हमने बता दिया है, कुछ छह प्रकार की रचनाएं इसमें हैं और उनकी भी रचनाएं जैसे निबंध संग्रह की कार्य काफ़ी सारी रचनाएं हैं, आलोचना साहित्य, इतिहास, उपन्यास, संपादित और अनुदूतित रचनाएं। तो आप देख सकते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय हमने किस प्रकार से दिया है, इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है। जीवन परिचय को आप लिमिट में लिखिए, साहित्यिक परिचय को थोड़ा बड़े में लिखिए, याद रखिएगा 80 शब्दों से आप ऊपर भी लेकर जा सकते हैं लेकिन नीचे मत लेकर आइएगा शब्द सीमा को, 5 नंबर आपको ईजिली मिल जाएगा यदि आप इस तरह से लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट, अब हमारा आ चुका है जीवन परिचय किनका, सुमित्रा नंदन पंत जी का। बोर्ड एग्जाम में ये भी सुमित्रा नंदन पंत जी का भी जीवन परिचय पूछा जाता है और काफ़ी ज़्यादा क्या है इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय होता है। मैं दिखा दूँ आपको बोर्ड एग्जाम में जो इनका जीवन परिचय है वो किस तरह से पूछे जाते हैं, प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं जीवन परिचय से रिलेटेड, ताकि आपका जो सारा डाउट है क्या है क्लियर रहे। देखिए ये कुछ इस तरह से प्रश्न आपका पूछा जाएगा, यहाँ पर देखिए खा नंबर में, कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियाँ का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा कितने हैं, 80 शब्द सीमा। पहले नंबर पर है मैथिली शरण गुप्त जी, दूसरे नंबर पर है सुमित्रा नंदन पंत जी, तीसरे में महादेवी वर्मा जी, जिसके लिए आपको कितने नंबर, 5 नंबर दिए जाएंगे। तो आज हम सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय लेकर आए हैं जिनके लिए हमें क्या है 5 नंबर दिए जाएंगे। 5 नंबर के लिए हमें जीवन परिचय इनका किस तरह से लिखना है आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं इनका जीवन परिचय और इनकी साहित्यिक परिचय, फिर इनकी कृतियाँ। तो देखिए इनका जीवन परिचय किस तरह से है, प्रकृति की अनन्य प्रेमी, क्या प्रकृति की अनन्य प्रेमी श्री सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 21 मई 1900 ईस्वी को, क्या है प्रकृत अनन्य प्रेमी जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं इनका जन्म 21 मई 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कोसानी नामक, जो अल्मोड़ा जिला है इसमें अल्मोड़ा जिला के कोसानी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता पंडित गंगादत्त का है, पंडित गंगादत्त पंत धार्मिक ब्राह्मण थे, वे कोसानी राज्य की क्या है कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष का तात्पर्य क्या होता है, क्या कोषाध्यक्ष तथा अच्छे जमींदार, कोषाध्यक्ष का तात्पर्य है कि क्या है वो एक प्रकार से जमींदार के रूप में संबंधित थे, कोषाध्यक्ष यानी धन की प्राप्ति और क्या है इकट्ठा करते थे, इसमें क्या है व्यापारी करते थे। तो यहाँ पर देखिए राज्य के कोषाध्यक्ष तथा अच्छे जमींदार थे। जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता सरस्वती, कौन, सुमित्रा नंदन पंत जी की माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया था। इस कारण इनका पालन पोषण क्या है बुआ, इनकी जो उनकी जो बुआ है उन बुआ जी ने ही किया था, इनकी बुआ जी ने सुमित्रा नंदन पंत जी का बुआ जी ने ही किया था, यहाँ पर देखिए बुआ ने किया था। पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई। पंत जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदी साहित्य सम्मेलन की लंबे समय तक सेवा की और कुछ दिन आकाशवाणी में भी काम किया। सुमित्रा नंदन पंत जी ने कुछ क्या है दिन आकाशवाणी में भी काम किया। भारत सरकार ने इन्हें क्या है पद्म भूषण से अलंकृत किया था और सन 1977 ईस्वी में इनका क्या है स्वर्गवास हो गया। किसका भैया, सुमित्रा नंदन पंत जी का। अब आप देख सकते हैं हमने जीवन परिचय को है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लिखा है और जीवन परिचय में आप गौर किए होंगे तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हैड किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने कुछ पॉइंट को हाईलाइट भी किया, जैसे कि जन्म स्थान, कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, किस जिले में जन्म हुआ था, इनके गाँव का नाम क्या था, इनके पिता का क्या नाम था, इनकी माता का क्या नाम था, इसको हमने हाईलाइट किया है। उसके बाद में क्या है इन्होंने कौन से पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे, भारत ने इन्हें कौन सा पद्म भूषण से सम्मान से क्या है अलंकृत किया था, सम्मानित किया था, और इनका क्या है स्वर्गवास यानी देहांत कब हुआ, इसको भी हमने बता दिया। आपको जीवन परिचय में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है जन्म स्थान, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, कौन से ज़िले में हुआ था, इनके माता पिता का क्या नाम है,
इनका जन्म कितने में हुआ था, मृत्यु कितने में हुआ था, इन्होंने कौन कौन से पुरस्कार पाए और इनका लालन पालन किस से प्रकार से, यानी पालन पोषण किस तरह से हुआ, और इसके बाद में क्या है, इन्होंने कौन कौन से क्या है शिक्षा, कौन कौन से पाठ्यक्रम को क्या है इन्होंने अध्ययन किया। तो ये बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय देते समय ये आपको बातें ध्यान रखनी है जो कि जीवन परिचय में आपको बतानी है। जीवन परिचय आप लिखिए, थोड़े लिमिट में लिखिए, थोड़ा आप शॉर्ट में भी इनका जीवन परिचय क्या है दे देंगे, इतने में ही आप जीवन परिचय दे देंगे तो एग्जामिनर सेटिस्फाइज हो जाएगा। आपको क्या है मेहनत किस में करनी पड़ेगी, मेहनत आपको साहित्यिक परिचय में करनी पड़ेगी, क्योंकि भैया साहित्यिक परिचय में आपका नो कॉम्प्रोमाइज, याद रखिएगा साहित्यिक परिचय में आपको ये सारी चीज़ें बतानी रहती हैं कि इन्होंने कौन कौन से पुरस्कार पाए, इन्होंने अपने जीवन में किया क्या, इन्होंने कौन कौन से क्या है रचनाएं की, इन्होंने कौन कौन से आधुनिक युग के थे, इन्होंने कौन कौन सी कविताएं बनाई, ये इनका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेखक में हमने बता दिया था, यदि आपने लेखक वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। अब देखिए इनके साहित्यिक परिचय में देखिए सुमित्रानंद पंत जी का कि आधुनिक युग के क्रांतिकारी कवियों में पंत जी का स्थान क्या है बहुत ऊंचा है। जो आधुनिक युग के जो क्रांतिकारी कवि हैं कवियों हैं इनमें पंत जी का स्थान बहुत ऊंचा है। निराला की भांति ही पंत जी ने भी कविता के लिए क्या है, निराला के जो कौन है सुरेंद्रकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, इनके भांति ही पंत जी भी कविता के लिए क्या है, कविता के लिए भाषा व्याकरण और छंदों के बंधन को मानने से इनकार कर दिया। क्या है, व्याकरण के छंदों के बंधन से मानने से क्या है इनकार कर दिया। और समानता पंत जी के काव्य को नंबर पहले पे छायावादी और दूसरे पर प्रगतिवादी क्या है प्रगतिवादी दो भागों में बांटा जाता है, परंतु समय समय पर इनके काव्य में अनेक परिवर्तन साफ दिखाई पड़ते हैं। जो ये क्या है इनका जो समानता जो काव्य है ये दो भागों में बांटा गया है, पहला छायावादी और दूसरा प्रगतिवादी, ये दो भागों में बांटा गया है, परंतु यहाँ पर बात क्या हो रही है कि समय समय पर इनका काव्य में क्या है अनेक परिवर्तन साफ दिखाई पढ़ते हैं, ये आपको याद रखना है। तो साहित्यिक परिचय जैसा कि मैंने आपको बताया आपको थोड़े बड़े में लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने साहित्यिक परिचय को थोड़ा बड़े में लिखना है। उसके बाद में आप देखिए रचनाएं क्या है, सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि वहाँ पर कृति पूछा गया था भैया, तो कृति या रचनाएं ये एक ही हैं, काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं, कृति और रचनाएं एक ही हैं ये आपको याद रखना है। रचनाएं देखिए क्या है, पंत जी की मुख्य रचनाएं निम्नलिखित है, जो पंत जी हैं हमारी पंत जी की जो मुख्य रचनाएं क्या है निम्नलिखित है, कौन कौन सी रचनाएं देखिए। सबसे पहले पर आपका आ जाता है वाणी, क्या है सबसे पहले पे वाणी, दूसरे नंबर पर ग्रंथी, तीसरे पे आपका उच्च क्या है उच्च वास ती और पल्लव, पांचवे पर है गुंजन, छः नंबर पे है युगांत, सातवें पर है युगवाणी और आठवें पर है पल्लविनी, क्या है आठवें पर है हमारा पल्लविनी, और नाइन्थ नंबर पर है स्वर्ण किरण, और दस नंबर पर है उत्तरा, ग्यारह पर है परिकृणा, बारह पर है ज्योतोष्णा, तेरह पे है रानी, चौदह पर है हार, पाँचवें पर है पांच कहानियाँ, छः सोलह पर है देखिए पंद्रहवें पर है पांच कहानियाँ, सोलह पर है उमर खयाम की क्या है रुबाइयों का हिंदी अनुवाद आदि। तो ये कुछ सोलह प्रकार की इनकी रचनाएं या कृतियाँ कह लीजिए, को भी कुछ भी कह लीजिए, ये कुछ इस प्रकार से हैं। और सुमित्रानंदन पंत के जीवन परिचय को भी बता दिया कि बोर्ड एग्जाम में यदि आपका जीवन परिचय आ जाए सुमित्रानंदन पंत जी पर तब आप किस तरह से लिखेंगे। तो देखिए याद रखना है इनका जन्म 21 मई 1900 ईस्वी में क्या है 1900 ईस्वी में हुआ था अल्मोड़ा जिले के कोसानी नामक ग्राम में, अल्मोड़ा जिला है कोसानी नामक ग्राम है। इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत है, सरस्वती देवी इनकी माता का नाम है, पद्म भूषण से सम्मानित किए गए थे, और सन 1977 ईस्वी में इनका क्या है स्वर्गवास हो गया। ये जीवन परिचय में इंपॉर्टेंट है, सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो जीवन परिचय हमने कवि का भी बता दिया, लेखक का भी जीवन परिचय हमने बता दिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है चलिए वो देख लेते हैं, हमारा आखिरी टॉपिक है लास्ट देखिए तो स्टूडेंट अब हमारा आ चुका है पंचलाइट कहानी का सारांश। ये बोर्ड एग्जाम में भी आपका 5 नंबर का पूछा जाता है पंचलाइट कहानी। पंचलाइट कहानी का सारांश आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए पंचलाइट कहानी का सारांश किस तरह से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है मैं आपको एक प्रकार से दिखा दूँ, फिर आपको मैं बताऊँगा किस तरह से इसकी सारी चीज़ें आपको पढ़ना। देखिए
ये कुछ आपका इस तरह से रहेगा। देखिए क्या है, कर्मनाशा की हार अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु लिखी अधिकतम शब्द सीमा 80। तो बहादुर कहानी के बारे में भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं या करके यानी अथवा लगा है। बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र के चारित्रिक विशेषताएँ पर डाली है। बहादुर कहानी की क्या है आपको पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। तो ये इस प्रकार से पूछा जाएगा, 5 नंबर का आपका प्रश्न रहेगा जैसा कि आप देख सकते हैं। देखिए पंचलाइट कहानी का सारांश में देखिए कुछ 3 प्रकार के जो 3 इनमें किरदार होते हैं, मैं दिखा दूं आपको, फिर सारांश में सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ये कुछ 3 प्रकार के किरदार हैं। गोधन जो है इस किरदार का मुख्य पात्र है जिसके बारे में बताया गया था। ये इस जो कहानी है पंचलाइट कहानी का ये हीरो है। कौन? गोधन है भैया। उसकी हीरोइन कौन है भैया? मुनरी। उसकी हीरोइन मुनरी है। गुलरी काकी कौन है भैया? मुनरी की माँ है गुलरी काकी। इन्हीं 3ों के ऊपर ये कहानी क्या है डिपेंड है, याद रखिएगा पंचलाइट कहानी। चलिए देखते हैं पंचलाइट कहानी का सारांश देखते हैं, क्योंकि सारांश हमें लिखना है। जब पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पूछा जाएगा तो वो वीडियो भी हमारा जल्द ही आएगा। देखिए क्या दिया हुआ है, पंचलाइट रेणु जी की क्या है, पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण क्या है प्रस्तुत किया गया। जो पिछड़े गांव के जो क्या है परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, क्या है जो महतो टोली है इसमें अशिक्षित लोग हैं, उन्होंने रामनवमी के मेलों में क्या है पेट्रोमैक्स, आप देख सकते हैं जो चीज़ें हाईलाइट हैं आपको बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरीके से आपको लिखना है। जो चीज़ें हमने ब्लैक पेन से की है इसको आपको हाईलाइट कर देना है ताकि एग्जामिनर का जो फोकस है वो आपको उसी चीज़ों पर जाए और वो नंबर देकर क्या है भैया आगे बढ़ जाए, वो ज़्यादा कुछ मत देखे। तो देखिए रामनवमी के मेलों पे क्या है पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे क्या है पंचलैट, कौन भैया? गांव के जो सीधे साधे लोग हैं अशिक्षित लोग हैं उसे क्या है पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज़ समझते हैं, जैसा कि हमें कोई पुरस्कार मिल जाता है तो हम सम्मान समझते हैं, सम्मान की चीज़ क्या है समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक और औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को क्या है आदेश देता है कि ये कहानी जो है पंचलाइट कहानी, इसको आप सुनकर भी याद कर सकते हैं, हमारी जो है बाणी को आप, हमारी वॉइस को आप सुनिए और उसको आप याद कर लीजिए और सेम आप अपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी पेस्ट कर दीजिए हमारी सुनी हुई आवाज़ को। तो देखिए क्या है, सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले वो पूजा पाठ का क्या है प्रबंध कर लें। सभी उत्साहित हैं परंतु समस्या उठती है भैया, क्या है सभी उत्साहित हैं पंचलाइट को जलते हुए देखना, लेकिन समस्या ये उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन, क्या है जो पंचलाइट है जलाएगा कौन, क्योंकि सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। अब यहाँ पर देखिए इस टोली में गोधन नाम का जो कि इस कहानी का प्रमुख पात्र है और इस कहानी का हीरो भी यही है, क्या है इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है, वो गांव की एक युवती से क्या है गांव की जो एक युवती है इसमें प्रेम करता है। मुनरी की माँ ने, मुनरी की माँ कौन है भैया? गुलरी। किससे प्रेम करता है? जो गोधन है भैया ये इसी मुनरी से प्रेम करता है। तो मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वो उसके घर के सामने से क्या है सिनेमा का गाना गाता हुआ निकलता है। कौन भैया? जो गोधन है वो किसकी? मुनरी यानी गुलरी की, सॉरी मुनरी की जो माँ है गुलरी के घर के सामने से क्या है सिनेमा का गाना गाकर, जैसे गाना आप सुने होंगे पहले के ज़माने में सिनेमा ही कहा जाता था, अब तो गाना कहने जाए पंजाबी गाना, हरियाणवी गाना, हिंदी गाना, इंग्लिश सॉन्ग्स जो भी होते हैं काफ़ी नाम आपने सुना होगा, सिनेमा का गाना गाता हुआ क्या है निकलता है। इस कारण पंचों ने उसे क्या है बिरादरी से निकाल रखा है। मुनरी को पता है कि भैया गोधन क्या है पंचलाइट जला सकता है, मुनरी को पता है गोधन पंचलाइट जला सकता है, वो चतुराई से ये बात पंचों तक पहुँचा देता है। पंच गोधन को पुनः क्या है बिरादरी में ले लेते हैं, क्योंकि जो पंच होते हैं वो क्या है गोधन को बिरादरी से निकाल रखे थे, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि पंचलाइट को भैया गोधन जलाना जानते हैं उसी को क्या है तुरंत बिरादरी में यानी पुनः बिरादरी में ले लेते हैं और वो पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की माँ ये सब देख कर क्या है गुलरी काफ़ी प्रसन्न होकर क्या है गोधन को शाम के भोजन का क्या है निमंत्रण देते हैं। पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं कि तुम्हारा साथ खून माप, ये देखिए बहुत ही लाइन, ये जो लाइन है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
देखिए क्या है, तुम्हारा साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। और इसमें देखिए क्या है, पंच लाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं, ये आपको याद रखना है। अब इस कहानी का प्रमुख शीर्षक यानी क्या है, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, ये देखिए फणीश्वरनाथ रेणु जी ने कहा है कि कहानी का कथानक सजीव है सीधे साधे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को वाणी देने में, क्या है, फणीश्वरनाथ रेणु जी समर्थ रहे हैं। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी क्या है प्रस्तुत की गई है, जो इस कहानी के जो आंचलिक कहानी जीवन का जो सजीव झांकी है इस कहानी में क्या है प्रस्तुत किया गया है। अब देखिए मैं इसका एक संक्षिप्त में आपको पूरा विशेषताएं दे दूं कि ये क्या कहना क्या चाहता है, पंचलाइट कहानी का सारांश क्या है। देखिए पंचलाइट कहानी का सारांश कहाँ से उठता है भैया, ये देखिए बिहार का जो पिछड़े गांव का एक क्या है, पिछड़े गांव का एक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। बताया जा रहा है कि महतो टोली में काफ़ी सारे लोग होते हैं और वहाँ के रामनवमी के मेले में क्या है, आप हमारी आवाज़ को सुनिए कि रामनवमी के मेले में एक क्या है लालटेन, जिसको हम पंचलाइट कहते हैं, लालटेन ले आते हैं। लालटेन को वो लोग क्या है सीधे साधे लोग सम्मान की चीज़ समझते हैं, लेकिन क्या है सम्मान की चीज़ को समझने के बाद में क्या है उसको क्या है जलाना भी तो है भैया, सम्मान की चीज़ तो समझना नहीं है, तो पंचलाइट को जलाना कोई नहीं जानता। उसी महतो टोली में एक युवक रहता है जिसका नाम क्या है गोधन है, गोधन क्या है मुनरी से प्रेम करता है, जो मुनरी है मुनरी से प्रेम करता है। और जब भी गोधन मुनरी के घर के सामने से निकलता था तो सिनेमा का गाना गाता निकलता था, और यही बात क्या है गुलरी को पता चल गई, या गुलरी ने देखा कि भैया गोधन जो हमारे घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर वो निकलता है, तो गुलरी ने जाकर जो पंच हैं पंचों से शिकायत कर दी कि भैया गोधन को आप बिरादरी से निकाल दीजिए, और गोधन को क्या है बिरादरी से निकाल दिया जाता है। लेकिन जो पंचलाइट होता है जलाना कौन जानता है, गोधन जाता है, सीधे साधे गाँव के लोग नहीं जलाना जानते। और ये बात जो है गोधन की प्रेमिका मुनरी को पता है, और मुनरी जो है बड़े ही चतुराई से जाकर ये बात जो है पंचों तक पहुंचा देती है कि भैया गोधन जो है पंचलाइट को जलाना यानी लालटेन को जलाना जानता है। गोधन को फिना क्या है बिरादरी में पंच बुला लेते हैं, और उसके बाद में क्या है गोधन जो है पंचलाइट को जला देता है। पंचलाइट को जलाने के बाद में उस के सामने यानी लालटेन के सामने भजन कीर्तन होता है, और जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो उसी लालटेन के सामने, क्योंकि जब उजाला हो जाता है तो उसी के सामने सारी चीज़ें वो करते हैं। उसके बाद में उनकी माँ क्या है मुनरी की माँ गुलरी ये सब देखकर काफ़ी प्रसन्न हो जाती है, और गोधन को शाम का क्या है निमंत्रण देती है, भोजन का निमंत्रण, शाम को भोजन का निमंत्रण देती है कि हमारे यहाँ पर भैया भोजन करके जाइएगा, शाम का निमंत्रण आपका यहीं पर है। उसके बाद में क्या है पंच भी काफ़ी क्या है उत्साहित होकर कह देते हैं कि तुम्हारा साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना यानी खूब गाओ, यानी कोई रोक टोक नहीं है, गाना आपको जितना गाना है वो गाइए, कोई रोक टोक नहीं है। तो ये जो लाइन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आवश्यकता बड़े बड़ी चीज़ों को क्या है गिरा देती है, और यही आवश्यकता है गोधन को पंचलाइट जलाने के तत्पश्चात। क्या है सीधे साधे गांव के लोग वो पंचलाइट को नहीं जलाना जानते, गोधन को बिरादरी में ले लिया जाता है, और यही सारी चीज़ें फणीश्वरनाथ रेणु जी ने अपने इस पंचलाइट कहानी के सारांश में बताया है। अब जब भैया पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पूछा जाएगा तो उसको भी हम आपको बताएंगे, उद्देश्य में सारी चीज़ें भी हम आपको स्पष्ट करेंगे। फिलहाल जो आज का ये वीडियो है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं पंचलाइट कहानी को भी हमने बता दिया है, और आप देख सकते हैं स्टूडेंट हमने 6 टॉपिक को पूरा क्लियर बता दिया है। 6 टॉपिक का जो क्लास 12 हिंदी का महामैराथन क्लास है आज के इस वीडियो में हमने ख़त्म कर दिया है। लगभग 1 घंटे का हमारा ये क्लास था, 50 नंबर यदि आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखे होंगे तो 50 नंबर फुल करने का बिल्कुल हमारा आसान तरीका आज की इस वीडियो में था। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी 50 नंबर लेना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।